कविता त्रण शीलवंत साधु ने गंगा सती साहित्य प्रकार भजन विद्यार्थी मित्रों गुजराती कविता जुदा जुदा प्रकारों में लखाती रही है गीत गजल सोनेट पद भजन गरबी वगैरह चालो आजे तमने एक भजननी बे चार पंक्तियों संभळावो विजळी ने चमकारे मोतीड़ा परोवो पानबाई नहींतर अचानक अंधारा थाशे जी जोतरे जोतामा दिवसो वही जशे पानबाई 21,600 ने काल खाशे जी आ भजनना रचयिता गंगा सती छे तेओ भजनना माध्यम थी जणावे छे कि आ जीवन वीजळीना चमकारा जेवू क्षणिक छे अहीं अचानक अंधारा रूपी मृत्यु आवी जशे पाणीना रेलानी जेम दिवसो वही जशे अने जेम दिवसो जशे तेम प्रत्येक दिवसना 21,600 श्वास एक मिनिटना 15 श्वास पण समय साथे चाल्या जशे अने मृत्यु आवीने सामे उभो रहेशे मृत्यु आवे ते पहला भक्ति थी सदविचार थी जीवन ने तरबोल करवा गंगा सती कहे छे चालो मित्रों गंगा सती रचित बीजू एक भजन शीलवंत साधु ने जोइए गंगा सती नु पूरु नाम गंगाबा कहरसंग गोहिल हतु तेमनो जन्म 1846 अने अवसान 1894 मा थयु हतु बिजली ने चमकारे मेरू रे डगे भक्ति करवी तेणे वगैरे तेमना जाणीता पदो छे प्रस्तुत कवितानो साहित्य प्रकार भजन छे चालो हवे शीलवंत साधु ने भजन माणिए जागे गायो तुरियानो ता
कविता समझौती। शिलवंत साधु ने वारे वारे नमिए, जेना बदले नहीं वर्तमान रे। चित्तनी वृत्ति जेनी सदाए निर्मल, जेने महाराज थाय मेहरबान रे। गंगा सतीए पोताना शिष्या पानबाई ने 52 दिवस सुधी अलग अलग पद संभळाव्या अने पानबाई ना गुरु थई उपदेश आप्यो हतो। तेमानी आ एक रचना इतले के भजन छे। आ भजन मा एक सद्गुरु एक आदर्श संत केवा होय तेना विषे वात करवामा आवी छे। हे पानबाई, चारित्र्यवान संत ने वारंवार नमवू जोईए। वारंवार नमन करवाथी एटलो समय तेमनो साथ मळे ते आपणा माटे खूब ज लाभदायी होय छे। एवा संतना वर्तन मा क्यारे परिवर्तन आवतु नथी। तेमना वर्तन मा कोई उतार चढ़ाव आवता नथी। तेमनु चित्त हमेशा निर्मल रहे छे। आवा निर्मल अने पवित्र चित्त वाला संत पर हमेशा परमात्मानी कृपा वरसती रहे छे। शिलवंत एटले चारित्र्यवान अथवा सदाचारी। वर्तमान एटले वर्तन अने निर्मल एटले पवित्र। जेने शत्रु ने मित्र एके नहीं उर्मा, जेने परमार्थ मा प्रीत रे। मन वचन ने वाणी मा चाले ने रूढ़ी पाड़े एवी रीत रे। जे संतनी चित्तनी वृत्तियों पवित्र छे तेमना हृदय मा मित्र के शत्रु एवा भेदभाव होता नथी। तेओ तटस्थ होय छे। जगत द्वंद्वात्मक छे। तेओ सुख दुख राग द्वेष पाप पुण्य स्वर्ग नर्क वगैरेना भेदमा मानता नथी। तेमनु हृदय तो परम अर्थ एटले के भगवान भजन मा ज रच्यु पच्यु रहे छे। भगवान नु भजन एमना जीवन नु परम अर्थ होय छे। हे पानबाई, आवा सद्गुरुना मन वचन अने वाणीमा एक रूपता होय छे। जगतना मानवीनु मन अने वाणी अलग अलग होय छे, परंतु संत पुरुषोनी जेवी वाणी पवित्र होय छे एवुज एमनु मन पवित्र होय छे। माटे पानबाई, आवा संत पुरुषो ज्यां मळे त्यां तेमने वारंवार वंदन करवा जोईए। आठे पौर मन मस्त थई रेवे, जेने जागी गयो तुरियानो तार रे। नाम ने रूप जेने मिथ्या करी जाणी रे। नाम ने रूप जेने मिथ्या करी जाण्यू ने सदाय भजनो व्यापार रे। जे शीलवान छे, जेनी चित्तनी वृत्ति निर्मल छे, जे शत्रु अने मित्रने समान जुए छे, ने जेना मन अने वाणीमा एक रूपता छे, तेवा संत पुरुष ने तो
आठे प्रहर एटले कि 24 कलाक आनंद ज रहेवानो। तेमना अंतःकरण मा ज्ञाननो उदय थयेलो होय छे। ज्ञाननो उदय थवाथी नाम अने रूप एटले के जगतनी मोहमाया असत्य छे, मिथ्या छे, तेनो अनुभव थई जाय छे। हे बेटा पानबाई, आवा चारित्र्यवान साधुने वारंवार वंदन करवा जोईए। पौर एटले प्रहर, 3 कलाकनो समयगाळो। तुर्यावस्था एटले जन्म मरण वटावी ब्रह्म साथे थती एकात्मता। अने मिथ्या एटले व्यर्थ अथवा नकामो। संगतो करो तो तमे एवानी करशो ने तो उतरशो भव पार रे। गंगा सती एम बोलिया रे पानबाई, जेने वचनुमा विश्वास रे। पानबाई, आवा चारित्र्यवान साधुनी तमे सौबत करजो। आवा गुरुनी संगत, तेमनी साथेनु सत्संगत भवसागर पार उतरवामा उपयोगी निवडशे। आगळ गंगा सती पानबाईने कहे छे, शीलवान गुरुना प्रत्येक वचनमा विश्वास राखजो। सद्गुरुना वचनो अज्ञान रूपी अंधकार ने दूर करी ज्ञान रूप